Hello ladies and gentlemen, assalamu alaikum. I am Naseer, your wellness trainer. Ladies and gentlemen, we are already एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बताते जा रहा हूँ. वो लेक्चर प्रोग्राम है और इसके साथ साथ हमने मुनासिब समझा कि हम आपकी एक्सरसाइज कंटिन्यूटी रखें. तो आज बेसिकली हमने रिहेबिलिटेशन के बेसिस पे और कुछ एक्सरसाइज बता देंगे आपको. उसमें से हमारा एक है बैक केयर. बैक की फिटनेस हमने बड़ी मेंटेन करनी है. ये दिमाग और बॉडी के दरमियान जो सिग्नल्स है इसका बड़ा काम करता है और इसका बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर. तो बैक में अगर पेन हो या पेन ना भी हो तो हमने बेसिक को कौन कौन सी सिंपल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है घर में जो जिससे आपको फायदा होगा, आपकी बैक केयर हेल्थ मेंटेन रहेगी. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हमारा जो बैक खराब हो, अगर पोस्चर ठीक नहीं है तो हमारा विजन भी उससे खराब हो सकता है क्योंकि वो सिग्नल्स, वो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो नहीं होगा टुवर्ड्स अवर ब्रेन और हमारे जो विजन है ना उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है. जस्ट फॉर नो हाउ पर्पज मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा बैक जो है ना, वैसा तो यूट्यूब पे हर चीज है लेकिन आप देखेंगे कि हमारा बैक के ऊपर 32 वर्टेब्रेज है पूरा, सर्वाइकल से लेकर के थोरेसिक के बाद लंबर और फिर उसके बाद सेक्ट्रल बोन्स. तो टोटल मिलके ये फ्लेक्सिबल शेप के अंदर है. 32 हमारे बोन्स होते हैं इसके अंदर टोटल वर्टेब्रेज. ये फ्यूज बोन्स है एक दूसरे के साथ, इरेगुलर बोन्स है. सो ये जस्ट टू नो हाउ अबाउट कि ये और इसके बड़े हमारे बॉडी पॉस्चर में, हमारे माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में इसका बड़ा रोल है. जो भी सिग्नल्स फॉरवर्ड होती है बाकी चीज़ें हैं वो थ्रू इसके बाद हैं और हमारा जो हराम मस है ना वो भी हमारे पेन के अंदर है. ओके गाइस, वी आर गोइंग टू द एक्सरसाइज. अगर आपको बैक पेन हो और नो हो या जनरली आपने बैक पेन करना तो उसके लिए बड़े सिंपल एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूँ. चूंकि ये घर बेस्ड एक्सरसाइज है तो उसमें सिंपली आपने ये करना कि ये गाइस हमने वॉल के साथ हमने स्टैंडिंग पोजीशन में आना है सबसे पहले चीज. और आहिस्ता आहिस्ता देखिए हमने बेंड फॉरवर्ड जाना है, नेक को बेंड करना है टू योर चेस्ट और फिर यहां से ग्रेजुअली आना है और फिर यहां जब आएंगे तो इससे एक स्टेप आगे हैं और ये नीचे जाएंगे. नी को बैंड नहीं करना है और इस पोजीशन में आप रहेंगे 1 मिनट. ओके, मैं इतना प्रॉब्लम नहीं रहूंगा लेकिन जस्ट टू नो यू कि आपने 1 मिनट से 1 मिनट से ज्यादा आपने इस पोजीशन में रहना है और दोबारा से बैक टू दी स्टैंडिंग पोजीशन आएंगे. ऑलराइट, ये अमल आप 3 से 4 मरतबा करें और उसके बाद आपके घर में मैंने टॉवल मुझे नहीं मिला लेकिन मैं जस्ट एक टॉवल को आपने रोल करना है. सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं. इस तरह से आप जब उसको रोल करके आप इसको यहाँ फ्लोर पे रखेंगे और बिल्कुल ये आपके स्टमक के बिल्कुल बैक, ठीक है, आपने इसको इमेजिन करके आपने इसके ऊपर लेटना है ये. मगर वो टॉवल होगी, टॉवल थोड़ी सी थिक होगी तो ये जस्ट एक नॉर्मल क्लॉथ है, आप उसके ऊपर ये पोजिशन में लेते हैं. रिलैक्स रहेंगे, आराम आराम से सांस लेंगे और फिर सांस को छोड़ देंगे. ये अमल आप 2 से 5 मिनट तक करेंगे. इसके बाद फिर हम दोबारा वॉल के साथ आएंगे. वॉल के साथ स्टैंडिंग से हमारी एक पोस्चर मेंटेन रहती है और उसके बाद यहां से एक हाथ आपने सर पर रख दिए और ये बैक पोजिशन. यहां पे आपने 1 मिनट होल्ड करना है और फिर इस तरफ आपने ये आपने 1 मिनट होल्ड करना है. तो ये भी रिपीटेशन, एक तरफ आपने 5 टाइम्स और दूसरी तरफ 5 टाइम्स. फ्रंट वर्ड्स आप जो बैंडिंग होगी वो आपकी होगी 3 to 5 टाइम्स और ये जो लेटने का है उसमें सिर्फ एक दफा लेटना है और आपने 3 to 5 मिनट्स तक रिलैक्स करना है. और अगर आपके बैक में पेन है, आप ये जनरल फिटनेस है, स्पेसिफिक किसी पेन के लिए नहीं है लेकिन ओवरऑल अगर पेन हो तो मैक्सिमम ये पेन रिलीव होगी आपकी. और बड़े अपने घर के बेसिस के ऊपर आपने जो घर की चीज़ें हैं, टॉवल है, वॉल है और ये सिंपल चीज़ें. और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप जब भी एक्सरसाइज करें कि
आज मैंने ये पैंट पहना तो बेल्ट उतार दें, प्रॉपर जिम अटायर में आके अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लिए, क्योंकि आपको कोई भी इंजरी ना हो उसकी वजह से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बैक केयर फिटनेस था हमारा, और अभी आज ही हमारा एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम आपको डाइजेस्टिव या हाजमा के रिलेटेड बात करेंगे। कल हमने कार्डियो फिटनेस, दिल की सेहत को कैसे मेंटेन करना, उस पर भी हमने डिस्कस किया है। तो लेडीज, हम बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ अब आगे आते रहेंगे, तो प्लीज इनको मिस नहीं करना, और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।